वाराणसी में Y20 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, शांति निर्माण कार्य और स्वास्थ्य के भविष्य पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रविवार को 4 दिवसीय Y20 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। Y20 शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने जलवायु परिवर्तन, शांति निर्माण कार्य के भविष्य और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चर्चा की। Y20 G20 का आधिकारिक युवा सहभागिता समूह है। ये एक ऐसा मंच प्रदान करता है जो युवाओं को G20 प्राथमिकताओं पर अपने दृष्टिकोण और को व्यक्त करने की अनुमति देता है। शिखर सम्मेलन में आजीवन सीखने को सशक्त बनाने, वैश्विक चुनौतियों के लिए वैश्विक कार्यबल को तैयार करने, अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग को मजबूत करने, सार्वभौमिक गैर कार्यकर्ता अधिकारों को बढ़ावा देने और सुलभ टिकाऊ वित्त पोषण और सलाह को लागू करने सहित विभिन्न सिफारिशें की गई। Y20 शिखर सम्मेलन का दूसरे दिन औपचारिक उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और उसमें केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए। Y20 समिट का आयोजन 17 अगस्त से 20 अगस्त तक किया गया था। G20 देशों, अतिथि देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक युवा Y20 ड्राफ्ट विज्ञप्ति पर चर्चा में शामिल हुए। प्रमुख रूप में काम के भविष्य सहित Y20 के 5 पहचाने गए विषयों पर विचार विमर्श और बातचीत में लगे हुए थे। शांति निर्माण और मेल मिलाप, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी, साझा भविष्य और स्वास्थ्य भलाई और खेल। 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधियों ने नदी यात्रा के दौरान सारनाथ, प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा घाट का दौरा किया। भारत की समृद्ध कला, संस्कृति और विरासत ने दुनिया भर की प्रतिनिधियों पर लंबे समय तक प्रभाव छोड़ा। पवित्र शहर वाराणसी की समृद्धि और विधिक सांस्कृतिक विरासत, इसकी आध्यात्मिकता, साहित्य, कला और संगीत ने भी G20 देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। Y20 विज्ञप्ति के रूप में शिखर सम्मेलन के नतीजे पर प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर किए गए, जो पिछले कुछ महीने के दौरान हुई विभिन्न चर्चाओं के निष्कर्ष को चिन्हित करता है। ये Y20 के 5 पहचाने गए विषयों में सामूहिक आम दृष्टिकोण का एक प्रमाण है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि युवाओं की आवाज वैश्विक मंच पर उच्चतम स्तर के निर्णय निर्माताओं द्वारा सुनी जाए।